हेलो दोस्तों, मैं सजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात कर रहे हैं वीवीएम को प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे शीट्स हैं, अनवांटेड बहुत सारे ब्लैंक सीट हैं। कुछ सीट पे डेटा है, कुछ सीट पे ब्लैंक है। मुझे सारे ब्लैंक सीट को डिलीट करना है, तो कैसे करें? वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अच्छे लगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप मेरे साथ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव जूम क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही रात को 9 बजे एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक बिना टाइम गंवाए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरा प्रोग्राम प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, किसी शीट्स में डेटा है और कोई सीट ऐसे ही ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब मुझे जितने भी ब्लैंक सीट है ना, उसको क्या करना है, उसको डिलीट करना है। मतलब कि यहाँ सीट 1 पे डेटा है, एक्सेल डला हुआ है, सीट 2 पूरा ब्लैंक है, सीट 3 पे डेटा है, सीट 4 एंड सीट 5 ब्लैंक है। तो सीट 1 और सीट 3 को छोड़ के बाकी सारा सीट क्या कर दे, डिलीट कर दे। तो चलिए इसके लिए माइक्रो लिखते हैं। विजुअल बेसिक पे जाते, यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम देंगे अब यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे हम कोर्स सब्जेक्ट और ये हम अंडरस्कोर हम 4 करते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमें वर्कशीट है तो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, सॉरी आर होना चाहिए वर्कशीट। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कि 4 इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क वर्क बुक डॉट वर्क शीट्स। यहाँ पे शीट्स होगा, सीट नहीं होगा, वर्क शीट्स होगा। तो हमने बोला कि 4 इच, हर एक वर्कशीट के अंदर जाओ और चेक करना है। क्या चेक करना है, नेक्स्ट डब्ल्यू करते हैं कि इसकी जो रेंज है उसमें डेटा है या नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे पता चलेगा इसके अंदर है या नहीं। तो इसके लिए हम एक लेते हैं यहाँ पे आर इक्वल टू, आर को मैंने डिफाइन नहीं किया, आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डिम हम लिखते हैं डिम आर एज ए हमने कर दिया यहाँ पे लॉ। और यहाँ पे करते हैं कि आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्क आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। जी काउंट एक फंक्शन होता है, काउंट एक फंक्शन होता है जो कि बताता है कि एक सेल में कितने वैल्यू है। और ये हम लिखते हैं कि डब्ल्यू एस डब्ल्यू डॉट यूज रेंज सिंपल सा, तो काउंट करके देगा। अब यहां करते हैं कि इफ डब्ल्यू इफ आर आर इक्वल टू 0 देन एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले कीबोर्ड में क्या हो गया, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स और फिर डब्ल्यू डॉट डिलीट और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ये जोड़ी है वरना आपका माइक्रो रुक जाए, इसलिए देना जोड़ी है। यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, सही कर दीजिए इसको। ओके अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स देना चाहते हैं तो दे दीजिए मैसेज एम एस जी बॉक्स ऑल ब्लैंक सीट
डिलेटेड। अब इसको एक बार रन करते हैं, यहीं से रन कर लीजिए, चाहे माइक्रो में जाके भी रन कर सकते हैं। आप रन किया, हैंड डिप छूट गया था। और देखें, एक और सीट, वन सीट थी रखा, बाकी डिलीट हो चुका है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास लेनी तो